अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू दी न्यू ब्लॉग एंड वेलकम बैक टू दी लास्ट एपिसोड। हाँ दोस्तों, ये आज लास्ट एपिसोड है हमारे सीज़न का और इसी के साथ आज सीज़न का लास्ट डे बिल्कुल चांद रात है। कल माशाल्लाह से ईद का पहला दिन है और इस टाइम पे मंडी की अपडेट ये है कि माशाल्लाह से पूरी मंडी हो गई है खाली। अभी इधर चलते हैं, मंडी की पूरी अपडेट देते हैं, सारे ब्लॉग्स आपको दिखाते हैं। अभी बकरा मंडी, ऊँट मंडी वगैरह भी आपको अपडेट देंगे, तो चले आप वीडियो लास्ट तक देखें, फिर आपसे मिलता हूँ वीडियो के एंड। तो दोस्तों ये देख सकते हैं भाई, माशाल्लाह मंडी के अंदर माल बिल्कुल ख़त्म हो गया और व्यापारी अपना माल बेच के जा रहे हैं। और अभी चलते हैं अंदर की तरफ जनरल ब्लॉक्स में और वहाँ की अपडेट आपके साथ शेयर करता है। ये देख सकते हैं भाई, ये व्यापारियों ने इस मरतबा सही ठीक ठाक नोट कमाया। ये कट्टू का माल खड़ा हुआ है, वो भी फ्रंट पे थोड़ा बहुत, बाकी ये सारे व्यापारी जानवर बेच बेच के अपने अपने घरों पे जा रहे हैं। किसी की एक दो रह गए तो वैसे लेके खड़े ना। ये सारे पीछे के ब्लॉक्स के आगे की तरफ आए और अभी चलते हैं पीछे के जनरल ब्लॉक में, केपी के ब्लॉक, पंजाब ब्लॉक वगैरह में, और वहाँ की अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। ये ज़्यादातर लोग आगे की तरफ अपने जानवर ले आए और यहीं पर ये बेच रहे हैं और गाड़ियाँ भी इन्होंने बिल्कुल अपनी साइड की हुई हैं। बस ये माल बिकेंगे, एक एक दो दो रहेगा और उसे बेच के घर जाने। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, कौन कहता है नॉर्दर्न मंडी पिटेगी। मंडी पीट के चली गई पहले साल ही नॉर्दर्न वाली मंडी। और अभी चलते हैं मंडी के अंदर जनरल ब्लॉक्स में और फिर आपको वहाँ की अपडेट देते हैं, ये साथ साथ देखते जाएं। ये भरपूर सौदे भी हो रहे हैं भाई मंडी के अंदर से और ये कुछ एक एक दो दो जानवर लेके खड़े हुए व्यापारी पीछे से आगे लेकर आए हैं। अभी चलते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं वीवीआईपी ब्लॉक्स में भी नज़र मारते हुए जाएंगे। ये भाई ये पूरा वीवीआईपी ब्लॉक खाली हो गया मंडी के अंदर। इस टाइम पे मंडी में माल बिल्कुल एंड पर आ गया और अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर क्या है भाई मंडी, इधर माल उतरा भी था कि नहीं। ये इधर से वीवीआईपी ब्लॉक की तरफ चलते हैं। ये पूरे वीवीआईपी ब्लॉक खाली हो गया भाई, ये देख सकते हैं। ये इधर दो तीन दिन तक के पहले माल ही माल था और ये भैया पूरा माल बिल्कुल एंड हो गया और अभी अंदर चलता है और अंदर की अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। तमाम व्यापारी भरपूर अपना माल बेच के कैटल फॉर्म्स वगैरह अब जा रहे हैं अपने अपने घरों को। वीवीआईपी ब्लॉक के अंदर तकरीबन माल ख़त्म हो गया, सिर्फ एक एक दो दो जानवर खड़े हैं, वो भी चंद टेंटों के अंदर। ये देख सकते हैं ये वीवीआईपी ब्लॉक है और भरपूर माल बिक गया भाई व्यापारियों। व्यापारियों ने भरपूर माल बेच दिया इस मतलब। भरपूर माल बिक चुका है भाई, वीवीआईपी ब्लॉक पूरे खाली। और ये थोड़ा थोड़ा जो माल बच गया था पीछे के व्यापारियों का, वो आगे लेकर आ रहे हैं। हाँ बाबा, पीछे मंडी खाली। ये इधर की पूरे वीवीआईपी ब्लॉक्स हो गए खाली बिल्कुल और पीछे से व्यापारी भी अपना माल आगे की तरफ लेकर आ रहे हैं। और अभी चलते हैं पीछे के जनरल ब्लॉक्स में और देखते हैं कि वहाँ पे क्या सूरत है, माल कितना रह गया पीछे के ब्लॉक्स में। ये तो भाई ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मंडी लगे हुए टाइम हो गया और बकरीद गुजरे हुए भी काफ़ी टाइम हो गया। जिस हिसाब की यहाँ पे सूरत हाल है, मंडी ऑलमोस्ट खाली हो गई है। ये देख सकते हैं भरपूर मंडी बिल्कुल जो भरी हुई थी बिल्कुल खाली। और ये उसके साथ में जो शंग्रीला ब्लॉक था एंड हो गया भाई मंडी इस मरतबा, भरपूर माल बिका है मंडी के अंदर, पूरा ब्लॉक एंड हो गया। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, ये देख ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे माल ही नहीं उतरा था, जो थोड़ा बहुत माल खड़ा हुआ है वो भी आगे की तरफ खड़ा हुआ है, पीछे का वो सब खाली है। और भाई ये जिस पट्टी में इधर माल उतरा हुआ था, जो इधर पट्टी पूरी फुल भरी हुई थी माल से, वो देख सकते हैं उधर की पट्टी, ये बिल्कुल पूरे रोड पे माल ही माल था और ये पूरा रोड खाली हो चुका है। और जो पीछे के ब्लॉकों में थोड़े बहुत जानवर ले रह गए, वो व्यापारी अपने जिनके एक एक दो दो रह गए थे, वो सारे व्यापारी अपने जानवर ऐसे गाड़ियों में बांध के इधर आगे के ब्लॉकों में लेके जा रहे हैं, ताकि कस्टमर जो आए वो उधर आगे से ही ले जाए खरीदार। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, सारा कट्टू का दाना रह गया है और तकरीबन मंडी खाली हो गई है। अभी पीछे चलते हैं केपी के ब्लॉक, पंजाब ब्लॉक, लाहौर ब्लॉक, कराची ब्लॉक, सारे ब्लॉकों के आपको अपडेट देते हैं। आज की मंडी भाई पूरी खाली हो गई, बेहतरीन मंडी चलाई इस मरतबा, मंडी भरपूर चली, भरपूर माल बिका मंडी से और मंडी इस टाइम पर बिल्कुल खाली हो गई है। अभी चलते हैं अंदर और अंदर की अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। ये इस ब्लॉक के आखिर में थोड़ा सा माल खड़ा हुआ है, इसके देखते हैं
خریدار ایک مال کم ہے، خریدار بھرپور ہے ابھی، انشاءاللہ اگلے سال نوتن بائی پاس منڈی اور اچھی چلے گی۔ یہ دیکھ سکتے ہیں بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ منڈی میں تھوڑا بہت مال کھڑا ہوا ہے، یہ بھی ابھی بیچ کے بس جانے کے موڈ میں ہے اپنے، یہ تھوڑا بہت مال کھڑا ہوا ہے منڈی کے اندر ماشاءاللہ سے۔ ہاں تو بھائی یہ ادھر روڈ پہ ویاپاری اپنا مال لے کر آ گئے پیچھے، اور ادھر سودے بھی اچھے خاصے ہو رہے ہیں۔ ابھی چلتے ہیں پیچھے کی طرف اور ریٹس وغیرہ شیئر کرتے ہیں۔ چھوٹا مال بھرپور کھڑا ہوا ہے یہاں پہ، ابھی دیکھتے ہیں اندر چلیں، اندر چلتے ہیں اور اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ مارکیٹ کی کیا اپڈیٹ ہے۔ یہ کے پی کے بلاک کے اندر جا رہے ہیں اور ابھی یہاں پہ یہ ویاپاری ایک ایک دو دو جانور رہے گا وہ لے کر آ رہے ہیں۔ اندر چلتے ہیں، بھائی کے پی کے ہی پورا بلاک خالی ہو چکا ہے اس ٹائم پہ، تھوڑا سا بہت اس کے اندر مال کھڑا ہوا ہے یہی ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں بھائی، یہ پورا کے پی کے بلاک جو ایک ہفتے پہلے تک کے فل کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور اب وہ بالکل خالی ہو گیا، اور ادھر تھوڑے بہت ویاپاری رہ گئے جو منہ مانگے داموں میں دے رہے ہیں اپنے۔ دیکھتے ہیں یہاں پہ سودے بھی اچھے خاصے بن رہے ہیں، کوئی ایک آدھ سودا دکھاتے ہیں آپ کو کہ آج کی مارکیٹ میں کتنے کا سودا ہوا، کس حساب سے آج کی منڈی چل رہی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پوری منڈی پورا بلاک خالی ہو چکا ہے، یہ بھی کہ جو فل بھرا ہوا کرتا تھا اس ٹائم پہ پورا بلاک خالی ہو گیا۔ ابھی چلتے ہیں دوسرے بلاکس کی طرف، وہاں کی اپڈیٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ہاں تو بھائی یہ ادھر آئے تھے کراچی بلاک کے اندر، اور اس بلاک کے اندر ہی مال بالکل خالی ہے، یہ تھوڑا بہت مال کھڑا ہوا ہے۔ آپ لوگ کے جانور ہیں جی بھائی، ماشاء اللہ یہ ایک تو جانور لمبی میں آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے ایک جانور جو ہے وہ بالکل لمبی میں آیا ہوا ہے۔ باقی چلتے ہیں اندر کے خالی پلاٹ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، کراچی بلاک ایک ہفتے پہلے تک ادھر کتنا مال تھا اور اس ٹائم پہ بالکل بلاک خالی پڑا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں یہ پورا بلاک خالی ہے، بالکل بھی مال نہیں ہے یہاں پہ، جو بچا کچا مال تھا وہ سب ختم ہو گیا، ویاپاری بھائیوں نے بھرپور مال بیچ دیا سب ختم۔ ویاپاری بول رہا ہے بھرپور کما کے گئے ہم اس بار ادھر سے۔ اب یہ ہے کراچی بلاک، اور اب چلتے ہیں پیچھے دوسرے بلاک کے اندر، پنجاب بلاک میں جو اس کے بالکل برابر میں تھا، وہاں کی اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ تو بالکل خالی پلاٹ ہے بھائی، مال بھرپور بیچ دیا منڈی، اس مرتبہ بیچ کے جائے چلی گئی۔ پہلے سال جو لوگ کہہ رہے تھے کہ نوتن بائی پاس منڈی پٹے گی پٹے گی پٹے گی، تو ان کے لیے میسج یہ ہے کہ منڈی پیٹ کے چلی گئی اس بار، بھرپور ہائی۔ ہاں تو بھائی یہ پنجاب بلاک، اور پنجاب بلاک کے بھی اسٹارٹنگ میں تھوڑا بہت مال کھڑا ہوا ہے، یہ بالکل تھوڑا بہت ہی مال ہی کھڑا ہوا ہے یہاں پہ، اور وہ بھی کٹو کا مال زیادہ تر کھڑا ہوا ہے، خوبصورت مال تو تقریباً اینڈ ہو گیا۔ ابھی چلتے ہیں اندر، اندر کی اپڈیٹ دیکھتے ہیں کتنا مال کھڑا ہوا ہے، یہ کوئی 100-200 جانور کھڑے ہوں گے ابھی پورے پنجاب بلاک کے اندر، باقی تو پورا بلاک خالی ہو گیا۔ ابھی چلتے ہیں ریٹس وغیرہ بھی معلوم کرتے ہیں، یہ تھوڑا چھوٹے چھوٹے جانور کھڑے ہوئے ہیں کٹو کے، یہ بھائی بھرپور مال بیچ کے چلی گئی اس مرتبہ منڈی، بھرپور ہائی فائی ہوئی منڈی، اور تمام مال بک گیا منڈی کا، منڈی خالی۔ ماشاء اللہ، ابھی دیکھتے ہیں اندر تھوڑے سے ایک دو جانور کھڑے ہوئے ہیں خوبصورت، دیکھتے ہیں کہ کیس کن ریٹوں میں ہیں یہ جانور، ان کے معلوم کرتے ہیں ریٹ اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ ویاپاری کیا ریٹ مانگ رہے ہیں، کہ پیسے جائز مانگ رہے ہیں یا ناجائز مانگ رہے ہیں منڈی میں مال نہ ہونے کی صورت میں۔ ابھی جو ایک ایک دو دو مال رہ گیا جن کا جو بیچ کے جانا چاہتے ہیں، تو بھائی وہ تو پیسے اپنے بالکل جائز مانگ رہے ہیں، ابھی ان سے پتہ کرتے ہیں۔ ہاں لڑکے مال آپ کا ہے، کیا پیسے مانگ رہے ہو ان دونوں بچیا ہو گیا لے لیا ہے، کتنے کی دونوں؟ صحیح لے لیا یار ماشاء اللہ سے بھائی، یہ 130,000 روپے کی یہ دو بچیا لی ہیں، یہ بتا رہے ہیں یہ گائیں ہیں 65,000 روپے کی لی ہیں، اور یہ کچھ بہترین جانور کھڑے ہوئے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ایک بابا کے پاس، اور ان کے ریٹس وغیرہ معلوم کرتے ہیں۔ السلام علیکم بابا، بابا مال بتائیے، یہ کھڑے ہوئے ہیں ماشاء اللہ، کیا کیا پیسے مانگ رہے ہیں ان کے؟
हाँ तो भाई ये थोड़ा बहुत माल खड़ा हुआ है, कुछ खूबसूरत दाने खड़े हुए हैं कट्टू माल के अंदर, जो व्यापारी भाई के नखरे भरपूर है कि नहीं बता रहे रेट्स, बोल रहे कि मैं ईद पर बेचूँगा। तो कल ईद है, अब पता नहीं अब कब बेचेंगे, मुझे तो लग रहा है ये ईद के बाद बेचेंगे अगले साल के लिए लोगों को। और ये पूरा ब्लॉक खाली हो गया है, ये पूरा पंजाब ब्लॉक बिल्कुल खाली हो चुका है इस टाइम पर। अभी चलते हैं बाहर निकलते हैं, दूसरे ब्लॉक की अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। हाँ तो भाई ये है बकरा मंडी की अपडेट, बकरा मंडी के अंदर भी तकरीबन माल बिक गया, लेकिन बकरा मंडी के अंदर अभी माल खड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत जानवर है बकरे जो खड़े हुए हैं अभी बिल्कुल, बाकी तकरीबन पीछे की बकरा मंडी खाली हो गई है। अभी ये है बकरा मंडी की अपडेट, अभी इधर से गाड़ी टर्न करते हुए चलेंगे देखते हुए, और फिर चलते हैं ऊँट मंडी, ऊँट मंडी की अपडेट आपको शेयर करते हैं। हाँ तो इधर आ गए ऊँट मंडी की गली, और ऊँट मंडी की अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। ये इधर भी थोड़े बहुत व्यापारी बाहर मुख लेके खड़े हैं, और भी अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं क्या है ऊँट मंडी के अंदर जानवर। हाँ तो भाई ऊँट मंडी में भी अच्छा खासा माल खड़ा हुआ है, अभी ऊँट मंडी में तो भरपूर माल खड़ा हुआ है। अभी यही है कि सिर्फ गाय मंडी में ही माल ख़त्म हो गया भाई, ऊँट मंडी में जानवर भरपूर। ये देख सकते हैं ये सारे ऊँट मंडी का माल है, और अभी तक खड़ा हुआ है ये, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये ऊँट मंडी में भरपूर माल खड़ा, अच्छा खासा इधर तो अच्छा लग रहा है, व्यापारी अपने ऊँट आ जाए लेकर आ रहे हैं कि किस तरीके से बिक जाए ऊँट। ऊँट मंडी में तो भरपूर माल खड़ा हुआ है ना, गाय मंडी में तक के सबसे ज़्यादा माल शॉर्ट हुआ, पूरी गाय मंडी खाली हुआ, लेकिन सौदे जो हैं वो फिर भी बड़े मुनासिब पैसों में बन रहे हैं। जो शुरू में मंडी थी ना कि छोटे छोटे जानवर के 1.5-1.5 लाख रुपए जो मांग रहे थे, अभी वो नहीं है, अभी एक अच्छा जानवर भी तकरीबन 90,000-1 लाख रुपए तक में आराम से मिल रहा है मंडी में, माल ना होने के बावजूद भी कुछ व्यापारी हैं जो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, वरना ज़्यादातर व्यापारी जो है वो मुनासिब रेटों में माल बेच के बस घर के लिए जा रहे हैं अपने अपने। हाँ तो भाई ये है ऊँट मंडी, और पूरी मंडी का टूर आपको करवा दिया कि पूरी मंडी थी, किस ब्लॉक के अंदर कितना माल रह गया। हाँ तो दोस्तों ये थी हमारी आज की आखिरी मंडी की अपडेट, और इसी के साथ आज के ब्लॉग को, आज के एपिसोड को और अपने सीज़न को पढ़ते हैं अलविदा। फिर मुलाकात होगी ब्लॉगिंग से, तो इंशाल्लाह हमारी पूरी साल मुलाकात होती रहेगी, क्योंकि बकरीद के बाद तो ब्लॉगिंग चलती रहेगी, डेली व्लॉगिंग, फूड व्लॉगिंग, जहाँ भी जाऊँगा मैं आपके लिए कोई ना कोई व्लॉग कवर करता रहूँगा। लेकिन सीज़न के व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट ईयर। इसी के साथ आज के व्लॉग को, आज के सीज़न को भी करते हैं अल्लाह हाफिज़, और फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट व्लॉग में, ईद के व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।